एटीएम तो पैसे कढ़वाने गई सी महिला, नौजवान ने पिस्तौल दिखा के खोले पैसे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने भजदिया होया नौजवान नु कर लिया काबू। अमृतसर के सुल्तानमिंड रोड से देर रात उस वेले हफड़ा दफड़ी मच गई जदों एक नौजवान ने एटीएम से आई महिला के कोलों पिस्तौल दिखा के पैसे खो ले। जानकारी मिली है कि महिला एटीएम तो पैसे कढ़ाने आई सी ते मौके पर पहुंचा होया नौजवान महिला नु पिस्तौल दिखा के उसके कोलों 25,000 रुपया खो के ते एटीएम का शटर हेठां सुट के भज्जन लगता है। तो मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस मुलाजम उस नौजवान नु अपनी सूझबूझ विखाउंदिया होया मौके पर ही काबू कर लैंदा है। यह भी दसा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ड्यूटी तो वापस घर परत रहा है जिस वेले उसने नौजवान नु काबू करके थाने दी पुलिस के हवाले कर दिता। यह भी जानकारी मिली है कि मौके पर ही नौजवान के कोलों 25,000 रुपया और पिस्तौल भी बरामद की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी दिंदा होया अपनी दलेरी विखाने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजम का की कहना है यह भी सुनो। 20,000 जमा 50,000 रुपया जमा कराने आए थे, जो जमा कराने 25,000 इन्हें फड़ के उन्होंने को कट के भज गया। उतो अंदरों शटर डाउन करता ना, तो मुड़ के भजया तो अं बहर खड़े हैं। मैं वैसे ड्यूटी तो ऑफ होकर आन दिया हाँ, तो मौके पर भी उन्होंने फड़ लिया तो पता नहीं वो पिस्टल गाने के की है। वो मौके पर उसको फड़ लिया तो नाल ही उसको 25,000 रुपया बरामद कर लिया। पिस्तौल दिखाई गई है, पिस्तौल दिखा के उन्होंने उन्होंने पैसे खो के उन्होंने को भज के उन्होंने ही शटर डाउन करता एटीएम का। तो भजा मुड़ के बाद चौं चगे ही खड़िया मैं आन दिया ड्यूटी तो उसे मौके पर उन्होंने फड़ लिया तो बरामद हो गया 25,000 रुपया। पिस्तौल भी बरामद हो गया, पिस्तौल भी उसको बरामद हो गया। हाँ आप बीड भी हवाले कर दिता पूरी गलबात दसी गई दसी उन्होंने मैं सारी कारण कि जो जो है बाकी जिन्होंने पैसे कटे हुई थाने मौके पर ना चल गए। जिक्रयोग है कि फिलहाल थाने की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है ते मौके पर काबू किए गए नौजवान के कोलों पुछगिछ की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तो पहला नौजवान के वलों किहड़ियां वारदातों को अंजाम दिता गया सी। अमृतसर तो बबलू महाजन की रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।